हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांगला छतकुल वाहन मार्ग को खतरे के कारण बहाल नहीं किया जा सका है। रविवार को इस मार्ग में बटसेरी गेट के समीप ऊंची पहाड़ी चट्टान गिर गई थी, जिस कारण टेम्पो ट्रैवलर में छितकुल घूम कर वापिस आ रहे 11 में से 9 लोगों की चपेट में आने से मौत हो गई थी। ऊपर से लगातार चट्टान के टूटने के कारण मार्ग को बहाल नहीं किया जा सका है। उधर चट्टान से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है और कई गाँव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। दूसरी ओर बसपा नदी पर बने बटसेरी पुल के टूटने के कारण बटसेरी पंचायत का यातायात संपर्क भी बाधित हुआ है। लोग जान जोखिम में डालकर टूटे पुल से नदी पार कर रहे हैं। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि ये एक प्राकृतिक आपदा है, इस पर पूर्व अनुमान लगाना मुश्किल था, लेकिन अब घटना घटित हुई है। उसके बाद जो प्रशासन ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बात की है, उनकी टीम मुआयना करेगी तथा चट्टान किस कारण से टूट रही है, आने वाले समय में इसके बारे में भी विस्तृत रिपोर्ट मिलेगी। देखिए, ये एक नेचुरल डिजास्टर है, कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ऊपर से ही पहाड़ टूट के नीचे आ जाएगा। बट अब जब हमें पता चला है कि थोड़ा सा स्ट्रेटा जो है माउंटेन का अनस्टेबल टाइप है, हमने अभी तो पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बात की है, वहां से कल एक टीम आ रही है पूरी चंडीगढ़ से, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जो जियोलॉजिस्ट की टीम आ रही है वो पूरा ये माउंटेन जो है ये एरिया पूरा इसको ये चेक करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नीचे से स्ट्रेटा नहीं टूटा हुआ है। पूरा पहाड़ जब मैं गया था कल तो पूरा पहाड़ ऊपर से टूट के नीचे आया हुआ है, तो इसकी पूरी सर्वे करेंगे हम कि ये ऐसा क्यों हुआ है, क्या क्या वजह है और क्या ये फ्यूचर में भी अभी हमें कोई खतरा है, और अगर खतरा है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो इसकी तो पूरी जांच अभी होगी कि ये पूरे पहाड़ में क्या इश्यू चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने बताया कि रक्षम और छितकुल में जो टूरिस्ट फंसे हैं उनको बाहर निकालने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जहां से चट्टान गिरी है वहां स्थान काफी खतरनाक है, यहां से अनुमान लगाना मुश्किल है, भूस्खलन कितना हो सकता है ये पता नहीं है, स्थिति क्या बनती है उस पर ध्यान रखा जा रहा है और काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले पर्यटकों की पूरी देखभाल सरकार और प्रशासन कर रही है, उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रक्षम में टूरिस्ट फंसे हैं उनको निकालने की हम व्यवस्था कर रहे हैं, जो जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक अभी ऊपर बहुत हाइट में है, उस क्षेत्र का अभी पता नहीं चल रहा है कि भूस्खलन कितना हो सकता है, इसलिए आज पूरी तरह से ट्रैफिक बंद किया गया है, और जैसे ही आज हम देखेंगे कि क्या स्थिति रहेगा और एक दो दिन में इसको रास्ता खोल कर टूरिस्टों को उसको निकालने का व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो बाहर से यहाँ घूमने के लिए लोग आए हैं, टूरिस्ट आए हैं, उनका पूरा देखभाल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या होगी उसका समाधान जो है जयराम सरकार पूरी तरह से कर रही है। किन्नौर कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर सूर्य ब्रोस ने कहा कि किन्नौर जिला के बटसेरी नामक स्थान पर पहाड़ से चट्टान खिसकने से 9 पर्यटकों की जान गई थी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस घटना के एक दिन पहले भी एक पर्यटक वाहन को नुकसान पहुंचा था और ऊपर से बड़े बड़े चट्टान टूट कर गिरी थी। ऐसे में तंत्र और डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी को सचेत होकर सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी। ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी निगरानी की आवश्यकता है। उन्होंने जिलाधीश को ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि पर्यटकों को हवाई मार्ग से बाहर निकाला जाए, बटसेरी पुल जल्द बहाल हो और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को तुरंत सामान्य करने का प्रयास किया जाना चाहिए। किन्नौर जिला के बटसेरी नामक स्थल पर पहाड़ों से चट्टान खिसकने के कारण हमारे 9 बेशकीमती पर्यटकों की जान गई व 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उस घटना से पहले भी वहाँ पर एक दिन पहले एक पर्यटकों के गाड़ी को उसी स्थान पर बड़े बड़े बोल्डर्स के द्वारा दबाया हुआ तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया में देखा गया। पूरे हिमाचल में जहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटियाँ गठित की गई है, जिला किन्नौर में भी डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो समय समय पर यहाँ पर कभी बार मॉक ड्रिल या मीटिंगों के नाम पर जो लाखों रुपये सरकार का जो है खर्च करती है, तो मेरा कहना ये है कि उस पहले दिन जो घटना घटी जिसमें किसी की जान नहीं गई थी, उसके बाद अगर प्रशासन सरकार व डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने समय रहते हुए संज्ञान लिया होता तो शायद ये इतना बड़ा घटना आज घटित नहीं होता। ट्रैफिक को वहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से अगर रोका गया होता
या फिर दोनों तरफ से निगरानी में कोई पुलिस वालों को तैनात किया होता तो ये घटना नहीं घटती। आज बड़े दुख की बात है, ये अनहोनी है, ये दुर्घटना है, ये तो प्रकृति का देन है, जो घटना घटना था वो घट गया। मगर जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी पे जिस पे हमारी सरकारें सालाना लाखों रुपए का बजट व्यय करती है, उसको तुरंत एक्शन में आना चाहिए था। और उसके बाद जो घटना है और मैनेजमेंट कमेटी की जो कार्य करने का जो एक तरीका है वो थोड़ा सा डाउटफुल है और ना ही इतने एक्टिव रूप से किया गया। वहीं बगल में सांगला में तहसीलदार कार्यालय है, पुलिस विभाग का थाना है और यहाँ पर हमारे जिला किन्नौर में जिला मैनेजमेंट के मुख्यालय में रहते हैं। इन सभी को देखते हुए आज हमारा ये मुख्य मांग है कि वहाँ पर स्थानीय लोग अभी भी टूटे हुए पुल से चल रहे हैं। छितकुल गांव में अभी तक सुनने में आ रहा है कि बिजली व्यवस्था जो है अभी तक चालू नहीं हुआ है। वहीं पर सरकार और प्रशासन से हमारी मांग है कि जो जितने भी पर्यटक वहाँ पर फंसे हैं उनको एयरलिफ्ट करके तुरंत रेस्क्यू किया जाए, ताकि उनके जो परिजन वहाँ परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी को तुरंत समझते हुए हेलीकॉप्टर जो है वो तुरंत सरकार मुहैया करवाए, बिजली को रिस्टोर किया जाए। बरसेरी गांव में लोगों को आने जाने के लिए वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था जो है वार फुटेज पे तुरंत किया जाए।